इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप को शुरू होने में बस एक महीने का वक्त बचा है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के लिए एक बड़ी झटके की खबर है। टीम के ऑलराउंडर केदार जाधव इंजर्ड हो गए हैं और इनकी इंजरी कितनी गंभीर है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जब वो इंजर्ड हुए हैं तो उसके बाद वो ना जो है पूरी फील्डिंग करने उसके बाद नहीं आए। तो इस बारे में पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जोशी जी, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, कितना बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए? देखिए, बहुत उपयोगी प्लेयर हैं और मैं कहूँगा कि केदार जाधव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी सीमित क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ी हैं। बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर हैं और आपने पिछले दिनों देखा, हैदराबाद में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे पहले हमने मेलबॉर्न में भी देखा जिसमें भारत के हाथ से निकलता हुआ मैच था, धोनी के साथ ये क्रीज पर टिके और खूब रन बनाए इन्होंने और वो मैच भारत को जिता दिया, दोनों मैच उन्होंने जिताए। तो मिडल ऑर्डर में या लोअर मिडल ऑर्डर में बहुत ही उपयोगी प्लेयर हैं, यूजफुल प्लेयर हैं। और एक बार मुझे याद है इंग्लैंड के साथ एक मैच हुआ था पूना में जहाँ इन्होंने सेंचुरी बनाई थी और 350 रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड वो मुकाबला जीत नहीं पाया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसके अलावा एक मैच और विराट कोहली के साथ इन्होंने भारत को बचाया था, हारते हारते मैच हम जीत गए थे। तो इस तरह से यूटिलिटी प्लेयर के लिहाज से तो कोई वो उनके टैलेंट पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर वो अगर उनको बाहर होना पड़ता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीसीसीआई को इस पर विचार करना चाहिए कि आईपीएल ठीक है आपके लिए एक सोने की मुर्गी साबित हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप में आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए आईपीएल को आगे या पीछे सरकाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता एक आध खिलाड़ी और कहीं अनफिट हो गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल से पहले भी एक बार आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट कोहली भी कह चुके थे कि आखिरी के मैचेस में जो है भारतीय खिलाड़ी को अवॉइड करना चाहिए लीग, और कई खिलाड़ी भी कह चुके थे कि वो उनके लिए आईपीएल से ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड कप है। लेकिन ऐसे में जब ये इंजरी के केसेस सामने आ रहे हैं तो ये कितना बड़ा एक झटके हो सकता है भारतीय टीम के लिए ऐसे मौके पर जब आपका एक महीना बचा केवल वर्ल्ड कप के लिए? जी हाँ बिल्कुल, 22 मई को टीम जो है रवाना होनी है और 23 मई तक आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर आपके पास अभी ऋषभ पंत हैं, अक्षर पटेल हैं, लेकिन आप अक्षर पटेल तो उनके विकल्प नहीं हो सकते, ऋषभ पंत ही एकमात्र ऐसे विकल्प हैं। लेकिन अभी उनकी सिटी स्कैन और इन सब तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी आनी है, उसके बाद ही कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आईपीएल का मुद्दा उठाया कि सही समय पर आपने और वर्ल्ड कप से पहले इस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो आपके की प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर के, वो भी कमर के खिंचाव से परेशान है बहुत ज़्यादा। एक बार तो हमने उनको ऐसा भी देखा कि ड्रेसिंग रूम उनको जो है जब वो मैच देख रहे थे उनको किसी प्लेयर ने उठाकर पीछे से कंधे से पकड़ के उठाया जी। तो यानी उनको दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, परेशानी है। केदार जाधव अनफिट हो रहे हैं और इसके अलावा जो और खिलाड़ियों को दिक्कत हुई है, चाहे वो रोहित शर्मा हो या अन्य जो 3-4 खिलाड़ी भी अगर इस आईपीएल से प्रभावित होते हैं बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि केदार जाधव तो बेशक उनकी जो अपनी टीम है जो उनकी रणजी टीम है वो उनसे बॉलिंग ना कराती हो, आईपीएल टीम उनसे बॉलिंग ना कराती हो, लेकिन जो अच्छे अच्छे बॉलर आउट नहीं कर पाते अपोनेंट टीम के किसी प्लेयर को, ये एक ब्रेक थ्रू दिला देते हैं आकर बॉलिंग करके इंडियन टीम में। तो एक परिवर्तन के तौर पर बहुत यूटिलिटी प्लेयर हैं और जो दूसरी टीमें जो होमवर्क कर रही हैं आपके खिलाड़ियों पर, खासकर मैथ्यू हेडन ने तो पिछले दिनों केदार जाधव के बारे में अपनी टीम को आगाह किया था कि उनकी जो गेंदबाजी है वो बीच में आकर विकेट चटकाने वाली गेंदबाजी है और वो जिस तरीके से साइड आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं और थोड़ा घुटने को भी नीचे रख के बॉल करते हैं ताकि बॉल बहुत नीचे आती है, वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब साबित होती है। तो इन सब चीज़ों से आगाह किया तो इसका मतलब है कि बाकी टीमें होमवर्क कर रही हैं और हम अपनी इंजरी की समस्या से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और खुद इसी बात से अगर बताएं कि आर अश्विन भी कई बार जो है उनकी वो नकल करते हुए उसी अंदाज में फेंकते हुए दिखाई दिए। लेकिन मनोज जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ जो कि बहुत ही अहम सवाल है, ये कि उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? जैसे आपने बताया ऋषभ पंत, लेकिन हम जैसे कि जानते हैं केदार जाधव को ना सिर्फ आप बल्लेबाजी में फील्डिंग में बल्कि गेंदबाज के तौर पर भी उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में इंडियन टीम को जो आगे प्लानिंग होगी वो किस तरीके से वो सेट करेंगे ऐसे में, जबकि वो ये जानते हैं कि हो सकता है अगर मान लीजिए केदार जाधव नहीं खेलते हैं उस कंडीशन में एक पार्ट टाइम 5-10 ओवर जो करवाने होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एक गेंदबाज का ऑफ डे होता है, अगर उस स्थिति में भारतीय टीम क्या कर सकती है? देखिए, जो स्टैंड बाई आपने चुने हैं वो शांत शर्मा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, ऋषभ पंत हो, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि बल्लेबाज
बल्लेबाज की जगह बल्लेबाजी आएगा कोई, और ये इनकी जगह कोई अक्षर पटेल को लाते हैं तो टीम इनबैलेंस बैलेंस नहीं हो पाती। और वैसे भी दो स्पिनर हमारे पास पहले से मौजूद हैं, और तीसरा रविंद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया गया है वहाँ के इंग्लैंड की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि विकेट सूखी होगी क्योंकि अब उतनी सर्दी नहीं रही वहाँ, ठंड का प्रकोप थोड़ा कम हो गया है, तो उससे मतलब हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। और कई बार एक विकल्प ये भी आता है दिमाग में कि दोनों स्पिनर्स जो हमारे चाहल और यजुवेंद्र चाहल और कुलदीप यादव ये दोनों जब एक साथ खेलते हैं तो पूरे शबाब पर होते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने भी पिछले दिनों इस तरफ ध्यान दिलाया था, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ना तो स्पिनर की हमें कोई ज़रूरत है और पेसर के तौर पर ज़रूरत तो थी, लेकिन अब केदार जाधव के विकल्प के तौर पर तो वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होंगे। ईशान शर्मा कॉम्बिनेशन क्या हो, ऋषभ पंत ही है, मतलब मुझे एक लगता है जो आपके पास सीमित विकल्प हैं उसमें ऋषभ पंत इनके विकल्प हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में हालांकि उन्होंने ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, बिल्कुल उतनी उपयोगिता भी जाहिर नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो एक गेम चेंजर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से लेकर छठे सातवें स्थान तक वो कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, रिदम बिगाड़ सकते हैं जी अपोनेंट टीम की। और वैसे भी जो दिनेश कार्तिक को टीम में जो लिया गया है वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है कि अगर धोनी अनफिट होते हैं तो उनको अवसर दिया जा सकता है, तो इसलिए ऋषभ पंत ही एकमात्र विकल्प होते हैं। लेकिन अभी इफ एंड बट्स तभी हम कह सकते हैं, किंतु परंतु का दौर तभी शुरू होगा जब उनकी कोई रिपोर्ट कोई खराब आती है, लेकिन अभी रिपोर्ट आनी है उसका इंतजार कीजिए। हम तो यही चाहेंगे केदार जाधव भी खेलें और जैसा जो जलवे उन्होंने हैदराबाद में दिखाए, जो जलवे उन्होंने मेलबोर्न में दिखाए या पूना में दिखाए, वही कुछ वो यहाँ भी करके दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल जैसा मुझे मनोज जी कह रहे हैं, और सिर्फ मनोज जी ही नहीं और बाकी जितने भी इंडियन फैंस हैं वो भी यही उम्मीद करेंगे कि जो रिपोर्ट आनी है केदार जाधव की वो बिल्कुल सही आए और तकरीबन एक महीने का वक्त है तो में केदार जाधव फिट हो जाएं और टीम इंडिया के लिए वैसे ही परफॉर्म करते हुए दिखाई दें जैसा कि वो अब तक करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक भी कीजिएगा और हाँ इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।